नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे हैं आप और मैं जजबीर सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय पंजाब कैबिनेट में मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर है। आज कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल से पंचायती विभाग छीनने के बाद जो है वो लालजीत सिंह भुल्लर को दिया गया है, तो ऐसे में इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार आज की जो पंजाब की एक सियासत एक नए मोड़ पर आती हुई नजर दिखाई दे रही है। आज इसी पे हमारी विशेष चर्चा रहने वाली है। इस चर्चा में हमारे साथ में एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में बीजेपी से विपुल तलवार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अमरदीप धानी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जसप्रीत नरवाल जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा का जिस तरह से मैंने पहले बताया, आज की चर्चा का मुख्य विषय पंजाब कैबिनेट में विस्तार को लेकर है और आज दो स्थानों को अहम जो है वो मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया, गुरमीत सिंह गुड़िया और जो है वो बलकार सिंह को जो है वो मंत्रिमंडल में स्थान में जगह दी गई है। आज इसी पे चर्चा रहेगी। सबसे पहले मैं जो है वो जसवीर सिंह भट्टी के पास जाऊंगा। भट्टी साहब, आज मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया है और लगातार ये कहा गया है कि गुरमीत सिंह हुडिया को जो है इनाम के तौर पर जो है वो आज मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया, क्योंकि तो प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल को उन्होंने हराया था, तो आज उन्हें इनाम के तौर पर उन मंत्रिमंडल में आज विस्तार में उन जो है जगह दी गई है। भट्टी साहब, देखिए जसवीर जी, जो आप गुरमीत सिंह खुडिया की बात कर रहे हैं, उनका पिछोकड़ पॉलिटिकल ते खुद भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं, वहाँ स्टूडेंट आगू होते तो सियासत को अच्छी तरह समझते हैं। जब उन्होंने सरदार प्रकाश सिंह बादल को हराया तो उस टाइम पे पहले ही पता लगता है बात उतनी सी चर्चा होती गुरमीत सिंह खुडिया को मंत्री जरूर बनाया जाएगा। लेकिन तीन बार वो रह गए, तीन बार बनते बनते रह गए, हर बार जो बात होती थी उनको मंत्री बनाया जाएगा लेकिन वो बन नहीं सके। उनके पिछोकड़ की बात करें कि उनके फादर जो जगदेव सिंह खुडिया थे वो भी पॉलिटिकल बंदे से आदमी थे, उनका पिछोकड़ भी अकाली दल से जुड़ता था और उनकी जैसे उनका कत्ल हुआ जैसे हुआ सबको मालूम भी है कैसे उसकी लाश मिली, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी गुरमीत सिंह खुड़िया को जो बनाने की बात थी ये लंबे समय से पेंडिंग थी, आज बात मान ली गई, उनको बना दिया तो मेरे को जो मालूम ईमानदारी से काम करके इसको अच्छी तरह निभाएंगे। दूसरी बात आपने की है बलकार सिंह की, एक और बनाया गया। बलकार सिंह पुलिस अफसर, पुलिस अफसर को बनाने का जो इनका आम आदमी पार्टी का तजर्बा था, आपको मालूम है फौजा सिंह सरारी का तजर्बा क्या रहा था, ये भी वही पुलिस अफसर है, एएससी भर्ती हुए थे पुलिस में, डीसीपी रिटायर हुए। आपको मालूम होगा कि इंके बेटे को सब इंस्पेक्टर भर्ती कराने के लिए इसने बोला था मैं 40% अपास हूं, मैं 40% हैंडीकैप हूं। हूँ आगे क्या करते मालूम नहीं, लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी जब जलंधर की लोकसभा बाई इलेक्शन हो रही थी सबसे ज्यादा वोट्स करतारपुर से मिले थे इनके उम्मीदवार को सबसे ज्यादा, और केजरीवाल साहब ने पहले बोला भी था जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। सबसे अचंबा बात क्या हुई, दो हलके थे फलौर और करतारपुर, ये चौधरी भाईचारे के हलके, संतोष सिंह की बरादरी के हलके, दोनों में जहां उनका जो बेटा कांग्रेस का एक एमएलए वे वहां से और करतारपुर से, दोनों से वहां से जड़ी सी आम आदमी पार्टी ने जीत प्राप्त की थी, इसलिए उनको जो वादा किया गया उसके लिए बलकार सिंह को बनाया गया है। अच्छी बात, हम दोनों को बधाई देते हैं। तीसरी बात, दो स्थान खाली भी रखे गए हैं, ये कह सकते हैं कि जो मान सरकार है वो ये बताना चाहती है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही जो है वो मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। दो स्थान खाली रखकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, जो एमएलए काम अच्छा करेगा, तो उसको भी मंत्रिमंडल में विस्तार में जगह दी जा सकती है। देखिए जो जलंधर की इलेक्शन हुई है उसमें जो आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा था जो 2013 में लेके घर से चले थे उसके बिल्कुल विपरीत काम किया गया। आप ही सब देख लें, हम भी वहां देखते रहे हैं, भी उसमें कौन सा हथकंडा नहीं बनाया गया, जो रवायती पार्टी पहले करती वो ही उन्होंने किया।
जो किया तो फिर आपको मालूम ही वोट तो पड़ी जाती है। हमारी बाई इलेक्शन तो हमेशा हाकम दर की होती है। बहुत कम समय थे जब सरदार प्रकाश सिंह बादल थे, उन्होंने बाई इलेक्शन दो जीती थी। 1992 में जब सरकार बनी थी, 1997 में दो बाई इलेक्शन आई थी, शायद तीन आई, दो आई थी, दोनों विरोधी दल ने जीती थी। उसके भी कई कारण थे क्यों सरदार प्रकाश सिंह बादल आप बहुत मेहनती आदमी थे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आप तीसरी बात करें कि इंद्रवीर निज्जर के ऊपर आप जाति तौर पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। शरीफ आदमी, अच्छा आदमी, उसके ऊपर आप कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकते उनको। तीन बात बिल्कुल बटी साहब मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ में कालीदास से अमरबीर धामी जी हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। धामी जी, किस तरह देखते हैं और गुरमीत सिंह हुडिया को जो है वो प्रकाश सिंह बादल को हराया, सुखबीर सिंह बादल को हराया और आज इनाम के तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल में विस्तार में उनको जगह मिली, कैसे देखते हैं? अकाली दल कैसे देखता है इसको, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है? जगबीर, ये मुझे लगता है कि ये पंजाब के फ्यूचर का मामला है। यहाँ पे किसी को इनाम नहीं दिए जाते, यहाँ पे जो भी काम होता है वो कैपेसिटी और काबिलियत के तौर पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों के भले की बात है। लोगों को हमने क्या देना है, स्टेट को क्या देना है, स्टेट को कैसे डेवलप करना है। मुझे ये लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है उसके पास विजन तो कोई है नहीं। उनके सारे के सारे जो मंत्री हैं उनकी आप लिस्ट निकाल के देख लो और साथ उनकी एजुकेशन देख लो, आपको एजुकेशन के मुताबिक पता चल जाएगा। आज उसको इनाम दिया गया, पहले उसको इनाम क्यों नहीं दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जो इनके बीच है, जो पहले आपको याद होगा चेतन सिंह जौड़ा माजरा को जेड़ा है जो है डॉक्टरों के ऊपर लगा दिया गया, जो प्लस टू पास थे, और उसके बाद उनको पीछे खींच लिया गया। उसके बाद वहां पे बलबीर सिंह को जो है हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया, जिनके ऊपर 3 साल की सजा का आरोप है रोपड़ कोर्ट से। और उसके बाद सरारी की बात कर लो, आज आज देखिए, आज जो सबसे बड़ी बात हुई है वो जो पिछले दिनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे चर्चा का विषय रहा है वो रहा है पंचायत डेवलपमेंट का। पंचायत में कैसे जो धालीवाल साहब, उनका टोन क्या होती थी, वो बोलते कैसे कैसे थे, आज क्या ये मानते हैं कि वो कैपेबल नहीं है, इसलिए उनसे ये जो उनका अपना महकमा है वो वापस ले लिया गया है और लालजीत भुल्लर को दे दिया गया है। इसी तरह से बाकी भी काफी मिनिस्टर हैं जिनके कभी उन्होंने जो पोर्टफोलियो है वो कभी वापस ले लिए, कभी दे दिए, कभी वापस ले लिए, कभी दे दिए। और आप सिंगला से शुरू कर लो, सिंगला को करप्शन के केस में पकड़ा गया और उसके पास से जो भी हुआ उसमें जो कंप्लेनेंट थे वो मानजो भगवान सिंह मान थे। और मैं तो ये भी कहूंगा के पंजाब की जो आज हालत है उस हालत के पीछे मैं पूछता हूं क्या मैनू मुझे देखिए, कांग्रेस के साथ हमारे लाख मतभेद हो सकते हैं, मगर जब देश ने मनमोहन सिंह ने फाइनेंस को संभाला और किस तरह से देश को आगे बढ़ाया, क्या जो चीमा साहब हैं हरपाल सिंह चीमा, क्या वो फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाने के काबिल हैं? कौन सी उनके पास एजुकेशन है ऐसी? ठीक है, वकील हैं, उनको हेल्थ जो महकमा होता है लॉ एंड ऑर्डर का दिया जा सकता था। मुझे लगता है कि सारे के सारे महकमे, ये तो मैं मुझे ये लगता है कि किसी को खुश करने के लिए दे दिया, किसी को इनाम के लिए दे दिया, किसी ने अगर बरजेंद्र सिंह के हक में बोल दिया तो उसका छीन लिया गया। ये क्या हो रहा है? मुझे ये लगता है कि हर रोज एक नई बिल्कुल 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 आपकी बात आम आदमी पार्टी आपकी बात सुन रही है। एडवोकेट हमारे साथ रजिंदर जी, जैसे आपने सुना, कह रहे कि रीजन कोई नहीं है सरकार के पास, वो इस तरह से जो मंत्रिमंडल में विस्तार करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। जी रविंदर जी, देखिए धारनी साहब ओपोजिशन में है और हर एक सरकार के स्टेप को क्रिटिसाइज करना इनका ड्यूटी भी है, अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं तो वो तो करेंगे। लेकिन
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज गुड क्रिटिसिज्म इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जो उसारू आलोचना होती है, जो एक लॉजिकल क्रिटिसिज्म होता है, वो अच्छा क्रिटिसिज्म माना जाता है, रादर देन की जस्ट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, जस्ट टू क्रिटिसाइज इट, सिर्फ विरोध करने के लिए बोलना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आम आदमी पार्टी परफॉर्मेंस देखकर काम करती है। अगर, और ये सारा प्रेरोगेटिव सीएम भगवंत मान जी का है, सीएम साहब का प्रेरोगेटिव रहता है, उन्होंने अपने हिसाब से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करना होता है। अगर उनको लगता है कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये उनकी मर्जी है, उनका प्रेरोगेटिव है कि उनको किसको उन्होंने, अगर कोई नहीं कैपेबिलिटी से काम कर रहा है और ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं, तो उनकी अपनी निजी राय है। तो आई डिडंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन इट, इसमें कोई गलत नहीं है, ये प्योर। अगर इसमें एक और बात देखने वाली है, अगर सीएम साहब ये काम ना करते या कुछ और बातें होती, तो ये कहते हैं कि दिल्ली से चलती है जी सरकार, तो वहां के पपेट बने हुए हैं। जब सीएम साहब ने अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर अपना मंत्रालय है जो लोगों के चेंज किए हैं, तो अब इनको ये बात भी पच नहीं रही है। तो ये तो मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी रविंदर की जी, जितने भी ये विरोधी ये भी कैबिनेट, कहते हैं कि वरिंदर जी विरोधी आपके ये भी कहते हैं कि इंद्रवीर निज्जर से प्रेशर देकर इस्तीफा लिया गया है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, इसी के आधार पर उनका मंत्रिमंडल में उनको स्थान नहीं दिया गया। जगबीर जसबीर जी, ये एक्चुअल बात पर नहीं, पॉइंट आई है उनकी मेजर साहब की, परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, आप कैसे कह उनकी सकते हैं वहां परफॉर्मेंस पर ठीक थी। बैठकर कुर्सी आप तो के ये ऊपर बताइए बैठकर हम कि कुछ भी जो क्यास गरोई करी वरिंदर जी जाएं, हम कुछ आपका भी काम रहा है उसमें क्या क्यास हुआ? गोइयां बिल्कुल करी पुनः जाएं। जी, मैं जसबीर आपके पास आ रहा हूँ, उनकी बात पूरी होने दो, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी जी, बात ये है कि बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, हम क्यास गोइयां करी जाएं कि उनके ऊपर प्रेशर देकर करवाया। निजर साहब की ऐसी कोई स्टेटमेंट देखी है आपने, या किसी बिल्कुल और हमारे पार्टी अध्यक्ष की, पार्टी स्पोक्स पर्सन की कोई ऐसी स्टेटमेंट सुनी है आपने? तो मतलब हु, हाउ कैन वी से, वही मैं बात मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में की, ओपनिंग रिमार्क्स में कही है कि जो जो ऑपोजिशन है उनका काम होता है स्टेट के, सरकार के हर एक उसको क्रिटिसाइज करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सही है या नहीं है। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, आई डिडंट फाइंड एनी मेरिट्स इन इट। बिल्कुल अमरदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले जसप्रीत जी कुछ कहना चाहते हैं सर, आप थोड़ा क्योंकि समय की भी सीमा है, तो जसप्रीत जी आप बार बार बता रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं आप, जी बताइए। जसप्रीत हाँ नरवाल जी, जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, देखिए जी सर, मैं बोलिए। ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने जो अभी जो विभागों का विभाजन किया, दोबारा से विभाग चेंज किए हैं, लोगों को नए नए मंत्री पद से हटा के दूसरे दूसरे मंत्री पद में डाला जा रहा है, उसका सिंपल सा ले लीजिए। आप अगर निज्जर साहब की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जी कल डॉक्टर हमदर्द जो कि अजीत न्यूज जो है उनके जो संपादक हैं, उनके जो हक में उन्होंने बयान दिया कि जो करतारपुर में इधर जंगे आजादी बनी हुई है, उसके जो भी उसके अंदर जो विजिलेंस जांच है, उसके अंदर जो डॉक्टर साहब को डालना वो बिल्कुल सही नहीं है। एक तरह से न्यूज़पेपर की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि पंजाब का बहुत ही पुराना एक न्यूज चैनल है। और जब पंजाब में काला दौर चल रहा था, जब पंजाब के अंदर के पूरी तरह से ऐसे टाइम था कि किसी का घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, उस वक्त भी अजीत ने बेबाकी से जो है पंजाब के अंदर जर्नलिज्म किया, पंजाब के गांव गांव तक उन्होंने, उस टाइम जब ये सोशल मीडिया नहीं होता था, तब उन्होंने अखबार पहुंचाने का काम किया। अगर उस अखबार के संपादक के लिए एक इनके मंत्री ने अगर कल बोल दिया कि उनके ऊपर विजिलेंस जांच नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर विजिलेंस जांच सही नहीं है, तो उनसे विभाग जब उनको जब मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जा रहा है, तो उसका क्या अंदाजा लगाया जाए? उसके अंदर कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए क्या बोलता है कि मेरे को इस मंत्री पद से क्यों हटाया जा रहा है सरकार के अंदर? पर और दूसरी नरवाल बात, साहब, सरकार तो ये कहती है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वो मंत्रिमंडल में परफॉर्मेंस, जो है वो परफॉर्मेंस की बात इसका कर लेते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जो कुलदीप सिंह धारीवाल जी हैं, जिनको इन्होंने पंचायत मंत्री बनाया था, जिन्होंने सारी पंचायतों को देखना था, जलंधर जी इलेक्शन में बहुत एक्टिव रहे, जलंधर इलेक्शन के अंदर बहुत सारे सरपंचों को ज्वाइन करवाया, जलंधर इलेक्शन के अंदर आसपास के गांव के सरपंचों को बोला कि आप ही हो मंत्री, पंचायत मंत्री, आप ही चलाओगे पंचायतों को, कितना फंड चाहिए बताइए, मैं फंड दूंगा आपको। उसके बाद में
जब इलेक्शन खत्म होती है उसके बाद में सरपंचों को बुलाया गया, उनसे मते मंगवाएगा कि आपके क्या क्या मते हैं, बताइए आपको कितना कितना फंड चाहिए, और उसके साथ ही अभी विभाग चेंज कर दिया गया। ये धोखा नहीं है तो जो जलंधर के गांव थे उनके साथ धोखा नहीं किया तो इन्होंने क्या किया है ये बता दें, क्योंकि मंत्री बदल गया, विभाग बदल गए, सिग्नेचर चेंज हो गए, बताइए अब पंचायतें किसके पास जाएंगी दोबारा से अपनी जो ग्रांटे उनको गांव के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। सो ये लोगों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद गुरमीत सिंह खुंडिया को क्या डिपार्टमेंट दिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट के अंदर इन्होंने क्या रखा हुआ है, 1400 करोड़ के करीब करीब, और उसके अंदर 6-7 हजार करोड़ तो इनका निकल जाएगा जो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी देते हैं, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास फंड ही नहीं है। तो अगर किसी को लोगों के प्रेशर के अंदर आके इन्होंने अभी डिपार्टमेंट दिया है तो अगर खुंडिया जी को उसको संभालने के लिए इन्होंने जो है कि एक मुश्किल में डाल दिया है। उसके बाद में मंत्रिमंडल में विस्तार तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के जब आपकी सरकार थी उस समय भी किया गया था, नवजोत सिंह सिद्धू से परफॉर्मेंस के आधार पर उनका बिल्कुल किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था, इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता था। इन्होंने जो मंडियों की जमीन है, जो अभी आरडीएफ और जो मंडी फीस की बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी ने सेंटर को लिख के दिया कि हमको जो फंड चाहिए मंडियों की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, और सेंटर ने बोला मंडियां आपकी ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो इनका फंड काटा गया, और अब ये जो मंडियों की प्रॉपर्टीज है उसको बेचने के लिए ऑक्शन कर रहे हैं। सो उसके अंदर भी ये बहुत सारा जोल जाल कर रहे हैं पंजाब के लोगों को। रविंदर जी पूरी बात सुन रहे, रविंदर जी से जवाब ले लेते हैं। रविंदर जी क्या कहेंगे, कह रहे कि मंडियों का जो फंड था वो कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया और सही ढंग से जो है वो मंत्रिमंडल में विस्तार इस्तेमाल नहीं, उसके अंदर इन्होंने हमारी सरकार 4 साल से आई है, 5 साल तो पहले ये सरकार में रह के गए हैं, 10 साल उससे पहले गांधी साहब सरकार में रह के गए हैं, सारे मामले मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी सरकार तो 1 साल से आई है, 5 साल पहले कांग्रेस का राज था, उससे पहले 10 साल अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, धारणी साहब का राज था, तो किसने नहीं किया यूज, 1 साल में हमने यूज नहीं किया वो फंड को। और इस सारे प्रकरण जैसे जैसे सर अपनी देखिए जी, मैंने इनको बड़े ध्यान से सुना है, मेरी इनसे विनती है कि कृपया अपने समय में बोले, जब इनका समय आएगा तो अपने समय में बोलिए। हाँ तो मैं ठीक कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि फंड यूज नहीं किया, मंडियों को किराए पे रख दिया, मंडियों के ऊपर लोन लेंगे, पुडा की बिल्डिंग को 300 करोड़ रुपए में किसने प्लेज किया था, अब धारणी साहब से पूछ लीजिए, 400 करोड़ रुपए में जलंधर की सेंट्रल जेल किसने प्लेज की थी, पूछ लीजिए धारणी साहब से, प्रकाश सिंह बादल थे। तो ये जो पंजाब के बारे में, और 1400 करोड़ नहीं है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ, 14000 करोड़ रुपया जो है फंड है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का फंड है, उसमें सब्सिडीज भी है, वो सारी बातें सही है, लेकिन 1400 करोड़ फंड नहीं है। और ये बातें, ये जितनी भी बातें की जा रही है, पहले पूरी कारण दो, अगर अगर आपने ऐसी इतनी नहीं नहीं मेरी एक बात जसवीर जी बेटे मेरी एक बात जसवीर जी अगर ऐसे डिबेट चलानी है तो फिर कोई फायदा नहीं है, जब उनकी बात में मैं बोल नहीं रहा हूँ, अगर ऐसे डिबेट चलानी है तो ये कौन सा मौका है डिबेट करने का। बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा नरवाल जी, उनकी बात पूरी होनी चाहिए। जी रविंदर जी मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, जब तो इनके पास गवर्नमेंट रहती है, जब ये करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब अगर मैं ये नहीं कह रहा कि हम वही चीजें कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर कैबिनेट मिनिस्ट्रीज देते हैं, और अगर किसी की परफॉर्मेंस सही नहीं है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं, और इसमें ये प्योरली सरकार का और सीएम पंजाब सदा भगवंत सिंह मान जी का प्रेरोगेटिव है। अगर उनको लगता है, बिकॉज दे उन्होंने काम करना है उसके साथ, अगर उनको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा तो देन ही टुक द डिसीजन, और मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई बड़ी आपत्ति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये परफॉर्मेंस बेस्ड काम है, अगर किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, अगर अगले 6 महीने इनमें से भी किसी की परफॉर्मेंस डल होगी तो सीएम साहब उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि 6 महीने में चेक करेंगे, अगर इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं रही तो नए मंत्रिमंडल में हो सकता है एक बार फिर से विस्तार जो है वो देखने को मिले।
दामिनी जी आप कुछ कहना चाहते थे, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका, और आपने सुना अरविंद जी ये कह रहे कि अगर इनमें से भी अगर नए मंत्रिमंडल में भी अगर काम परफॉर्मेंस सही नहीं किया तो हो सकता है इनका भी जो है इनको भी मंत्रिमंडल जो है वो बदल दिया जाए। जी दानी जी, अमरदीप दानी जी, सर माइक अनम्यूट कर दीजिए, माइक अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। जी दानी जी बोल। हाँ जी, मैं इनको जी एक बात बता देना चाहता हूं कि पंजाब कोई रिसर्च सेंटर नहीं है, यहाँ पे रिसर्च की जा रही है, ये कोई पीजीआई नहीं है, यहाँ पे रिसर्च होगी। देखिए, ये पंजाब के लोगों का मसला है, लोगों ने इनको जो है पंजाब की बागडोर दी, और बागडोर देने के बाद ये पहले सोचना चाहिए कि किसकी क्या काबिलियत है, किसकी क्या जी काबिलियत नहीं है। जब जौड़ा माजरा को ये हेल्थ मिनिस्टर बनाते हैं तो बात इनको पता होना चाहिए कि नहीं उनको सारे डॉक्टर्स के पोर्टफोलियो ना भी बस पता है या नहीं पता है। पट्टी वाले नहीं और ना कुछ उसके बाद देखिए, ये जो सारा कुछ है ना, ये तो कांग्रेस की सरकार भी करती रही है। जब जी चाहा उन्होंने तो सीएम को ही हटा दिया। जब इनका पहले दिन से काम था, एक आईपीएस ऑफिसर है, ये इन्होंने डीजीपी 3 बदल दिए, इन्होंने सारे जिलों के एसएसपी बदल दिए, इन्होंने एडवोकेट जनरल कितने बदल दिए। मैं कहता हूं कि 5 साल इनके ये जानते हुए निकल जाएंगे कि कौन काबिल है या कौन नहीं काबिल है। और मैं धानी इनको जी, ये भी धानी जी, पूछना अगर चाहता हूँ, सरकार देखिए परफॉर्मेंस के आधार पर, अगर सुन लीजिए सवाल ले लीजिए, अगर सरकार परफॉर्मेंस के आधार पर अगर किसी मंत्रिमंडल में सुधार या किसी डीजीपी की बदली कर रही है तो ये तो अच्छी बात है ना, कि अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसको बदल के उसकी जगह पे कोई और व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, क्योंकि सभी सरकारें ऐसी करती है। देखो, ये बात है कि इन्होंने कहा है कि अभी तक मिस्टर निज्जर ने ये नहीं बताया, उन्होंने व्यक्तिगत कारण अपने बताए हैं। इनको मैं ये बता दूं कि मिस्टर भामराव ने भी अपनी हेल्थ इशू बोल के यहाँ से चले गए थे वो। और आगे की बात ये है कि आज जो डीजीपी साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक इन्होंने एक पैनल भेजना था, मगर ये पैनल ही नहीं भेज रहे। उनको जो चला रहे हैं, पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है इनकी, इनका परफॉर्मेंस देखने का थर्मामीटर कौन सा है, किससे ये मापते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस क्या है। कि अब एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला था, देखिए मिस्टर धालीवाल आज तक एक ट्रैक्टर चला के वो जमीनों के कब्जे ले रहे थे, और जलंधर की इलेक्शन में लोगों के साथ उन्होंने वादे किए, कल लोग उनके पास जाएंगे कि हमारे पास साथ ये वादा किया था, वो कहेंगे मैं तो जी मंत्री नहीं हूं। ये एक ड्रामा बना लिया गया है इनकी तरफ से, जिसने वादे कर दिए उसको हटा दो, उसको पीछे कर दो। ऐसे ऐसे हालात इन्होंने पंजाब में पैदा कर दिए। ये भगवंत मान का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये लोगों का प्रेरोगेटिव है। लोगों को सही जो डेवलपमेंट के लिए, सही शासन देने के लिए कौन दे सकता है, ये पहले देखना चाहिए। 14 महीने में इनको ये नहीं पता लग रहा, और ये सर, प्रवक्ता तो बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद फिर बदलता है देंगे। कौन अच्छा मैं होगा, कौन गलत होगा। एक एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ गुरमीत सिंह मीतेर जो मिनिस्टर हैं, उनकी मिनिस्ट्री जी, तीन तीन बार चेंज कर दी गई है 14 महीनों में, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है जो 6-6 महीने बार हर डिपार्टमेंट में उनको चेंज कर कर दिया जा रहा है? कभी उनको स्कूलों का डिपार्टमेंट दे देते हैं, कभी उनको कोई डिपार्टमेंट दे देते हैं, कभी उनको कॉलेजेस का डिपार्टमेंट दे देते हैं। ये क्या चल क्या रहा है पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर? एक मिनिस्टर को अगर आप परफॉर्मेंस ही देख के बात कर रहे हैं तो मीत हेयर की कहाँ पे परफॉर्मेंस लैग कर रही है, जो 3 बार उनका मंत्रिमंडल चेंज कर दिया गया है? एक बार नहीं, तीन तीन बार हो चुका है। तो ये बात का जो है पंजाब के लोग भी जवाब मांगेंगे, हम भी मांगेंगे। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये आपसे आम आदमी पार्टी से पूछता है, हर पंजाबी पूछना चाह रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये हर बार मिनिस्ट्रियां बिल्कुल चेंज क्यों की ऑपोजिशन जा का रही काम है? है, उसके ऑपोजिशन सवाल खड़े बाद करेगी, में बिल्कुल इस पर कोई दो राय नहीं है, ऑपोजिशन सवाल खड़े करेगी जो और पूछना अधिकार भी ऑपोजिशन का है। जी अधिकार है सर, अधिकार है। इन्होंने बात किया परफॉर्मेंस पे, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको हम निकाल देंगे। अभी मीत हेयर की परफॉर्मेंस क्या है? जो 3 बार चेंज हो गया है तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ तो होगी, जो 3 बार चेंज हो रहा है तो उसका उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पंजाब के लोगों को बताइए।
उसके बाद में बिल्कुल परफॉर्मेंस बलकार की सिंह यहाँ पर भी। बात जो सीधे तौर पर ये सामने आ रही कि परफॉर्मेंस के आधार पर लगातार ये सरकार कहती नजर आई कि परफॉर्मेंस के आधार पर हमने मंत्रिमंडल पे विस्तार किया है। रविंदर जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले विपुल जी कुछ कहना चाहते हैं। विपुल जी बीजेपी से आप संबंधित हैं, बीजेपी को आप डिफेंड करते हैं, तो क्या समझते हैं जो अभी मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार सरकार ये कहती नजर आई कि हम जो है परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वो मंत्रिमंडल में स्थान देगी। जी विपुल जी सबसे पहले तो सबको नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम जो हमारे पत्रकार भाई हैं उनका जी हम जो मान सत्कार इज्जत करते हैं दिल से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जो हमारा चौथा स्तंभ माना गया हमारी डेमोक्रेसी का, वो चौथे स्तंभ के ऊपर ही हमारा हिंदुस्तान सही तरीके से चल रहा है। चाहे वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार पट्टी जी बैठे हैं, उनका भी मान सत्कार है। जजवीर जी आप हैं, आपका चैनल है। कोई भी सरकार पत्रकारों को या पत्रकारिता को दबाकर कोई राज्य को चलाए ये कतई मंजूर नहीं है। और आम आदमी पार्टी के ये जो मेरे भाई साहब थे, ये एग्रीकल्चर का बजट गिना रहे थे अभी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका एडवर्टाइजमेंट का बजट क्या है, इनका एडवर्टाइजमेंट का बजट इनके कामों से ज्यादा होता है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो बरजिंदर सिंह जी हमदर्द हैं उनका जो नाम आप उछाल रहे हैं विजिलेंस के बीच में, आप क्या सरकार का तंत्र को गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? और अगर चोट करनी है तो कांग्रेस पे करें, अकाली दल पे करें, भाजपा के किसी व्यक्ति ने गलत किया तो उसके ऊपर करें। आप चोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं चौथा स्तंभ जिन्होंने हमारे पंजाब को समय समय पे संभाला है। हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसका विरोध करते हैं। जवाब दे और ये पॉजिटिव पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन तो प्लीज ललन जी ललन पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। रविंदर जी बिल्कुल जी जवाब ले लीजिए, साथ में जवाब भी ले लीजिए। मैं मुझे जब जब जवाब दीजिए, अगर देखिए अकाल वो कह रहे कि पहले ये बता दीजिए आपका एडवर्टाइजमेंट का कितना बजट है। नहीं हमारा तो चलो जो है बजट वो ये नहीं बता पाएंगे जी, ये नहीं बता पाएंगे। सबसे सबसे तेजी से डेवलप होने वाली और हिंदुस्तान की सबसे गरीब पार्टी है, मैं ये ऑनलाइन इस चैनल सबसे के गरीब कह पार्टी रहा हूँ। करोड़ों रुपए का और बजट, करोड़ों रुपए के पैसे हैं आपके पास, करोड़ों रुपए हैं एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने के लिए आपके पास, और आप गरीब मेरे पार्टी दोनों है, करोड़ों रुपए जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च मैं कर रही है वो गरीब पार्टी हो सकती है विपुल क्या? विपुल तलवार जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने समय बोल लीजिए या मैं उसके बाद दे दूंगा जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं मुझे फिर बोलने दीजिए, रुकिए फिर मैं आपने मेरी हाथ मेरी जोड़ बात के। में हाँ मेरी मुझे फिर बोलने दीजिए ना, आपने बोला ना आपने आप बोलो तो पर्चा मुझे फिर आपने मौका एफ आई मिलेगी। आर की आपने आपने एफ आई आपने भी आर की बोला कि विपुल तलवार जी आप बोल लीजिए तो आईआर बोलने दीजिए की मुझे, जजवीर जो जी हाथ जोड़ के इन्होंने एफआईआर की जब जब बीजेपी जैसी पार्टी विपुल जी मेरे मेरी मेरी बात पूरी हो लेती है। आप खुद तो बोल रहे हैं, आपने तो बोला है कि मुझे आपने तो बोला है कि आप जजवीर जी बोलने तो पहले बोलने मुझे तो दे, फिर अब मुझे अपनी ऐसा नहीं बात हो पूरी सकता। कर ली आप तो सर लोकतंत्र पहले में, मुझे बोल तो लेने दीजिए। लोकतंत्र में हर किसी की बात को नहीं, लोकतंत्र किसी को बात को दबाया नहीं विपुल जा जी सकता। उनकी बात ले आप लीजिए, अपने मंत्रियों की बात दबा रहे हैं, आप अपने एमएलए की बात दबा रहे हैं। विपुल जी आज आप हमारी भारतीय जनता पार्टी का जब आपके सामने एक नुमाइंदा बैठा है, बात कर रहे हैं आप को भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश मत करें आप। वो पंजाब की मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर था, हाँ उसके बारे में मुझे बात करने दें। हम विषय बात कर रहे हैं, हम उसी आप पे हमारी बात को मत दबाएं रविंद्र जी, रविंद्र जी हमारी बात को मत दबाएं, बात करने दें। पंजाब मेरा जवाब विस्तार किया गया उसको लेकर लगातार आपने देखा कि दोनों ही तरफों से लगातार ये जो सवाल खड़े हो रहे थे कि हम जी सरकार ये कहती है हम परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वो मंत्रिमंडल में स्थान दे रहे हैं, और जो ऑपोजिशन है वो लगातार ये कहती है कि ऑपोजिशन जो है लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि इनकी परफॉर्मेंस जो जिसको बार बार ये कहते हैं परफॉर्मेंस के आधार पर, लेकिन यहाँ पर बदलाखोरी के चलते मंत्रिमंडल से किसी को निकाला जा रहा है। भट्टी साहब जजवीर जी मेरा जवाब विपुल जी को जवाब ले देने दीजिए मुझे। जी रविंद्र जी बोलिए। जजवीर नहीं फिर मेरे सवाल भी जवाब बहुत होंगे आपसे, अगर आप विपुल जवाब विपुल देना जी चाहेंगे तो मेरे मैंने सवाल आपके और भी सवाल देख आगे। लिए आपके सवाल मैंने देख लिए सर, नहीं मैंने अभी देख तो लिए अभी आपके तो आपने सवाल, मुझे बोलने ही आप दिया, पहली बार इस डिबेट आपने में तो आई हैं, रविंद्र जी आई आपने हैं, मुझे बोलने ही कृपया नहीं दिया। डिबेट करने की कोई मर्यादा को ध्यान में रखिए विपुल जी, डिबेट की मर्यादा को ध्यान में रखिए, आप पहली बार आए हैं, आप किसी गली चौराहे पे खड़े खड़े होकर डिबेट नहीं कर रहे हैं, ये आप नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं। रविंद्र जी नहीं आप रविंद्र जी बोलने आप नहीं दे रहे,
कमाल की बात। आप जैसी पार्टी जब बीजेपी पार्टी पत्रकारों की बात करे जिन्होंने रवीश कुमार के साथ क्या किया, नेशनल मीडिया में क्या किया, आप कर रहे हैं पत्रकारों की बात, आप कर रहे हैं डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ की बात, जिन्होंने एक चैनल बंद करके रख दिया। आप कर रहे हैं, आप बीजेपी बात करे, मैं तो कमाल की बात मान रहा हूं। अगर बीजेपी ट्रिप जो है वो बात कर रही है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाली बात रखने दीजिए उन्हें। विपुल जी आप बीच में बार बार बीच में आप आ रहे हैं, उनको बात रखने दीजिए, इस तरह से डिबेट आके नहीं। जिन्होंने रवीश कुमार को मजबूर कर दिया एक चैनल छोड़ने के ऊपर, जिन्होंने किसी भी पत्रकार को नहीं छोड़ा, जिस पार्टी ने इस डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर को तहस नहस कर दिया, वो बात कर रही है। और एडवर्टीजमेंट और गरीब पार्टी, मैं कहता हूं आपने एलिगेशन लगाया कि हमने किसी तीसरे बंदे के थ्रू पैसे लेकर गुजरात इलेक्शन में यूज करे, और आपकी ही फिर सीबीआई ने और ईडी ने वो एक लाइन भी नहीं लिख सके जिसके बेस के ऊपर हमारे उनको बेल मिली है। आप बात कर रहे हैं, एक एलिगेशन भी प्रूव नहीं कर पाए आप पैसों का, कि आपने एलिगेशन लगाया था कि हमारे जो पार्टी वर्कर्स हैं उन्होंने फलां बंदों से पैसे लिए, फलां बंदों से पैसे लिए। आई कुड शो यू द जजमेंट जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में कि जो जो ईडी है वो एक रुपए की ट्रांजैक्शन भी जो वहां पे हुए हैं अपना गुजरात इलेक्शन में वो नहीं साबित कर पाई है। जो 35 लाख रुपए की पूरे इलेक्शन में 35 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है वो भी थ्रू चेक्स हुई है। आप बात कर रहे हो, मैं ऑफिशियली कह रहा हूं आप और झूठे पर्चे करने वाली पार्टी, वो पार्टी जो ईडी और सीबीआई को का दुरुपयोग करने के लिए जानी जाती है, वो बात कर रही है दयानतदारी की और मीडिया को बचाने की। बड़ी ये तो हास्यास्पद बात है। और जहां तक हमें पता है कि हमने अपने किस मनिस्टर को कहां पे रखना है वो हमें पता है। आपकी तरह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम के ऊपर हम जो वहां पर गोल्ड मेडलिस्ट हमारे ऊपर ओलंपियंस हैं, वो जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक चेयरपर्सन को बचाने के लिए सारी बीजेपी लगी हुई है और वहां पर जो गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियंस है उनकी बात नहीं सुन रही है। तो आप हमें मत सिखाइए कि हमने कैसे बात करनी है और कैसे परफॉर्मेंस चेक करनी है। बस करिए आप, टाइम थोड़ा आपके पास आऊंगा उससे पहले चलते चलते भट्टी साहब से लेने को, भट्टी साहब आप काफी देर से कुछ कहना चाहते थे और डिबेट के हम लगता है कि हम अपने विचार से भटक रहे हैं। हमारा जो आज का विषय था वो पंजाब के मंत्रिमंडल को विस्तार को लेके थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है वो कहीं उलझती हुई नजर आ रही। भट्टी साहब क्या कहेंगे, मंत्रिमंडल के जो विस्तार को लेकर लगातार सरकार परफॉर्मेंस की बात कर रही है और गुरमीत सिंह हुडिया को जो है वो प्रकाश सिंह बादल जिनको उन्होंने हराया था उसके बाद में जो है विधानसभा में एंटर किए और अब उनको जो है वो कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया गया है। जी नहीं, वो तो बात हम कर चुके हैं पहले जी। बात जी। तो हम ये बनती है कि जो आज की डिबेट है वो तो विस्तार के ऊपर हो रही है, तो हम पत्रकारों में चले गए। बरजिंदर सिंह के साथ मैं खड़ा हूं, डट के खड़ा हूं, लेकिन वहां ये कहना चाहूंगा कि उनको जो बुलाया विजिलेंस ने, आप जाए अपना पक्ष पेश करें, मैं दावे ना कर सकता आपका कोई कसूर नहीं है, आप क्यों पटक रहे हैं, जाए आप, कोई बात नहीं। बिल्कुल दुरुस्त, जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती भावे वो कालिया को बीजेपी हो किसकी भी गवर्नमेंट हो उसने पत्रकारों को तशद्दुद किया, मैं सबूत देता हूं सबको। आप बीजेपी की बात करते हैं, कपिल संदीप का क्या कसूर था जो केरला से आते हाथरस की कवरेज करने के लिए। आप अकाली दल की बात करते हो, अकाली दल ने पत्र को लाठीचार्जी किया, विक्रम मजीठिया के घर में पत्र देने कैसे मांग पत्र, किसने किया पत्रकार पे लाठीचार्ज, किसने किया पत्र को बदनामी। इसलिए ये पत्रों के बाद नहीं, आज बात सिर्फ हो रही थी विस्तार की, जो कैबिनेट विस्तार है हमारे को ये देखना चाहिए था उसका स्टेट को फुका के नुकसान। हमारी जो ड्यूटी बनती थी हम फटक रहे हैं वहां से, मुद्दे से फटक रहे हैं आप। ये ठीक बात, उनका प्रधान मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव उस किसी का मैं बदल सकते हैं, लेकिन लोगों में एक बात जरूर जाती है, लोगों में एक बात जरूर जाती है कि अभी 14 महीने में 4 बार मंत्रिमंडल बदल दिया, उसका क्या कारण था, अच्छा था बुरा था वो अलग बात है।
हमारी बात तो सिर्फ एक थी कि हमारा जो विस्तार हुआ था वो ठीक हुआ कि गलत हुआ, उसका स्टेट को कोई फायदा होगा कि नुकसान हुआ, हम उसको बिल्कुल डीएल कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बताऊं, आप जो देखो वो पार्टी है, हम ये कहते हैं भी चार बार ये किया थे दम, इसका मतलब उनके पास कोई इंटेलिजेंस की कमी है, उनके पास सलाहकारों की कमी है। वो डीजीपी बदल सकते हैं, वो एडवोकेट जनरल बदल सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे एडवोकेट जनरल बदलो एक साल में तीन तीन चार चार बदल दो। इसलिए मैं ये कहता हूं हमारा जो डिबेट का मुद्दा था सिर्फ इतना था कि जो आज रिशफलिंग हुई है उसका स्टेट को फायदा होगा कि नुकसान होगा, और इसके बीच में कौन काबिल है कौन नहीं काबिल है। हमने गुरमीत सिंह खुड़िया की भी बात किया और बाकायदा तौर पर बलकार सिंह की भी बात किया, जो निर्जर की बात करके एक कारण नहीं था, तीन कारण थे उसके। ब्रजेंद्र का कारण तो हो गया, दूसरा कारण जो नजायज वो सारियां हो रही थी उसको उठाया कितने था उनकी आदमी के एमएलए ने, कुंवर विजय प्रताप ने, कुंवर विजय प्रताप ने उन्होंने उठाया था कि जे देखो क्या हो रहा है, दिखाया सा जाके सोशल सर, मैं उसके ऊपर पत्ती करूंगा। मैं मंत्रिमंडल के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर उनके ऊपर कमी है और चलते चलते सब कुछ ये बात जसप्रीत जी आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। दूसरी बात जो हो गई, उन्होंने जो अमृतसर में जो नजायज उसारी हो रही है उसको लेके जो है सरकार ने एक्शन लिया, तो सरकार का ये कौन सा तरीका हुआ एक्शन लेने का? अगर वो कोई भी नजायज उसारी के अंदर वो इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर विजिलेंस क्यों नहीं बिठा रहे, उनके ऊपर क्यों नहीं शिकंजा कस रहे? ये कौन सा तरीका हुआ चुपचाप से उनसे इस्तीफा दिलवा लेने का? ये कोई तरीका हुआ? जो मुद्दा चल रहा है, जो इस टाइम के ऊपर उनसे जो इस्तीफा दिलाया गया है उसके ऊपर बात करिए, किस चीज के लिए इस्तीफा दिलाया गया है। उसके बाद में गुरमीत सिंह मीजर के मंत्रिमंडल के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, 14 महीने में उनको उनका तीसरी बारी विभाग चेंज हुआ है। उसके बाद में मंडियों की बात कर रहे थे जो हमारे आप आम आदमी पार्टी से भाई है, मैं ये बात पहले बोल चुका हूँ कि मंडियों के रिलेटेड आम आदमी पार्टी की सरकार और इनकी जो विधानसभा की कमेटी है वो लिख के दे के आई है सेंट्रल गवर्नमेंट को के जो हमको फंड चाहिए वो मंडियों की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बोला कि आपकी मंडियां ऑलरेडी डेवलप है इसलिए हम आपको फंड नहीं देंगे। इन्होंने वहां पे कहीं नहीं बोला कि हमको जो है वो स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, वो जो किसानों की डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए। ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 14,000 करोड़ का बजट है एग्रीकल्चर का, बट उसमें से 7,000 करोड़ की तो आपकी चले जाएगी जो बिजली की सब्सिडी है, और जो आपके जो मिनिस्टर है नरवाल जी, समय की कमी है, समय की कमी के चलते चर्चा को रोके, उससे पहले रविंद्र जी का आखिरी स्टेटमेंट ले समझ आता हूँ, समय की कमी है, उससे पहले जो है रविंद्र जी से आखिरी जो है जवाब ले। रविंद्र जी जी क्या कहेंगे? लगातार लगातार खड़े हो गए। रविंद्र जी अंकुल जी, मैं आपके पास आता हूँ। बिल्कुल जी, अभी ठीक है, मेरी मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि ये सीएम भगवंत मान जी का प्रेरोगेटिव है। उन्होंने ईमानदारी से जिनकी परफॉर्मेंस जो थी उस हिसाब से मंत्रिमंडल में बदलाव किया है, और ये प्योरली सीएम भगवंत मान जी का प्रेरोगेटिव है, और जिसको भी चाहे कर सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आने वाले अगले 6 महीनों में भी अगर कोई परफॉर्म करेगा वो पंजाब का मंत्री रहेगा, अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी किसी को भी कोई शेल्टर या किसी को भी कोई स्पेशल जो वो है जेस्चर है या स्पेशल ट्रीटमेंट है वो नहीं दिया जाएगा। पंजाब के लिए काम करना है, जो भी आदमी पंजाब के लिए काम करेगा वो कैबिनेट में रहेगा, अदरवाइज किसी की जगह नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि पंजाब के लिए काम जो है वो करेगा, उसको ही मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, उसको जगह मिलेगी। और आज इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि समय की सीमा रेखा है जिसको हम पार नहीं कर सकते हैं। और आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और लगातार पंजाब सरकार जो
विस्तार किया गया, नौ दो नए नामों को जो है वो कैबिनेट मंत्री पद दिया गया, जिसके बाद पंजाब में लगातार सियासत गरमाई है। पंजाब की मान सरकार ये कहती नजर आई कि परफॉर्मेंस के आधार पर हम जो है वो मंत्रिमंडल में विस्तार कर रहे हैं, और लगातार ये विस्तार इसी तरह से जारी रहेगा। अगर किसी की तरह की कोई परफॉर्मेंस में किसी की कमी रहती है तो हो सकता है कि एक बार फिर से हमें मंत्रिमंडल में विस्तार करना पड़े। और इसी चर्चा को यहाँ पे समाप्त करते हैं, कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।